रिकॉर्ड करो इसको। पिगोबियन का मतलब क्या है? पोल्यूशंस, पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनी पे जो टैक्स है। टॉबिन टैक्स, टॉबिन टैक्स क्या है? हाँ, परचेजिंग और सेलिंग पे। जैसे आप बाहर काम कर रहे हो, इंडिया हो गए, तो वो करेंसी नहीं चलेगी यहाँ, अमेरिकन डॉलर। तो जो एक्सचेंजर होते हैं उन पर जो टैक्स लगता है, दिस इज द, क्या बोलेंगे उसे? टॉबिन टैक्स। लिखो, करेंसी एक्सचेंज पर लगने वाला टैक्स टॉबिन टैक्स, करेंसी के एक्सचेंज पर लगने वाला टैक्स टॉबिन टैक्स है। फिर आता है टैक्स हैवन। टैक्स हैवन का मतलब टैक्स में छूट दिया जाता है। टैक्स हैवन नहीं लिखा है तो लो लिख लो। टैक्स हैवन का मतलब है टैक्स पर छूट देना, डिस्काउंट ऑफ टैक्स। टैक्स हैवन, टैक्स पे जो हम रिवेट देते हैं, छूट देते हैं, कि अब टैक्स आपको इतनी रिलीफ मिलेगी। मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट करती है ऐसे। टैक्स हैवन ज्यादातर यूके में यूज किया जाता है, यूके, ब्रिटेन में। टैक्स हैवन ज्यादातर यूज होता है ब्रिटेन में। फिर आता है ट्रांसफर प्राइजिंग। ट्रांसफर प्राइजिंग, ट्रांसफर प्राइजिंग लिखो। ये सप्लाई एंड लेबर, ट्रांसफर प्राइजिंग भी नोट नहीं किया था। हाँ ठीक, ट्रांसफर प्राइजिंग ये सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करता है, सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स चुराना, टैक्स इवेजन। और इंडिया में सबसे अधिक, दुनिया में टैक्स चोर 3 देशों में है, रसिया, इंडिया एंड चाइना। और ब्लैक मनी भी दुनिया में 3 देशों में सबसे अधिक है, पकड़ में नहीं आती, वो अलग बात है, चाइना, रसिया, इंडिया। ब्लैक करेंसी है इंडिया की, तो ब्लैक करेंसी हमें साफ साफ नजर आती है, फिर भी सरकार पता नहीं क्यों उपाय नहीं करती पकड़ने का। मुझे बात आज तक समझ नहीं आई। गरीबों के उस पे, गुड्स पे आप टैक्स लगा रहे हो, लेकिन ये साफ बिल्कुल नजर आता है कि टैक्स चोरी कहाँ हो रही है, और उस पर ध्यान क्यों गवर्नमेंट का नहीं जाता, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। किसान बेचारे इतना गरीब है, ग्रोथ एग्रीकल्चर का लो है, फिर भी वहां पे भी किसान क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स के लिए आप दबाव डालते। कुछ चीजें तो मैं यूट्यूब पे आके बोलने मांगा, ये सब रिसोर्सेस गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखता, यहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। और उसका अगर हम वोटिंग उसमें देखें, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टैक्स चोरी करने वाले 10% लोग, वो कोई गवर्नमेंट नहीं हटा सकता, और उससे फायदा पाने वाला 80% गवर्नमेंट का। जितना इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे प्रेजेंट दिल्ली सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, फ्री सारी चीजें, तो पहले तो उनको सैलरी दे दो, बचे तो फ्री करो। अब पता चला 8 महीने से लोग सैलरी नहीं पा रहे हैं, और सब फ्री सेवा, तो जो काम कर रहा है उसका घर नहीं चल पा रहा। तो ये चीजें नहीं, बैलेंस करो इसको, बैलेंस। आप पहले पेमेंट सबका टाइम पर दो, इसके बाद बचे तो फ्री कर दो, किसी ने नहीं मना किया, लेकिन सबको फ्री करके उधर गवर्नमेंट सैलरी ना दे। 10 10 महीने लोग काम करें अपनी फैमिली के लिए, 10 से 4 कोई जाके काम करेगा तो और काम कब करेगा, वो कहाँ से और कमाए और फैमिली चलाए। डॉक्टर के पैसे नहीं, अभी ये जो सिक्योरिटीज पे अपॉइंट है इनको पेमेंट टाइम पे नहीं, 8 8 महीने बताते मिलता नहीं। दिल्ली सरकार के अंडर में जो डिग्री कॉलेज है उनके प्रोफेसर को सैलरी मिलती नहीं। तो पहले तो इसको बैलेंस करना चाहिए। आगे फिर देखो, नेक्स्ट टैक्स इवेजन का मतलब क्या हुआ? टैक्स की चोरी करना। फिर आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस कब होता है? जब दो कंट्री के बीच रिलेशन होता है, तो हम कहते हैं हम तुम्हारे गुड्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे, और वो कंट्री कहता है हमारे पे ना लगाना। अब टैक्स अवॉइडेंस में किसको फायदा होता है? भारत और नेपाल अगर टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करें, ज्यादा फायदा किसको होगा? करेक्ट आंसर बताया इसने, नेपाल को, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, वहां मंगाएंगे कम, ना के बराबर, तो हमेशा गरीब देश जो है घाटे में रहते हैं टैक्स अवॉइडेंस से। इसलिए भारत ने कई देशों के साथ किया हुआ है, एक हमने किया बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से हम सामान ज्यादा मंगाते नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम यही एग्रीमेंट चाइना के साथ कर लें तो हम घाटे में हो जाएंगे। हाँ, तो इको की जिसको समझ है वो इस तरह के आंसर देगा। किताब रटने से कुछ नहीं होता, किताब ही ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान यहाँ कुछ नहीं है। जब दिमाग चलने लगे आपका, तब ज्ञान आपके पास आना शुरू हो जाए। ये केवल माध्यम है, किताब में कुछ है नहीं, ये तो बस रटो इनको खाली, और उसको लोग ज्ञानी, वो कोई ज्ञानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर जज जजमेंट लिखते समय बुक लेके फिर इस्तेमाल करता है, तो यहाँ का तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे तो मॉडर्नाइज किए जाने की जरूरत है।
हम एज ए सिटीजन क्यों गलती करते हैं, क्यों क्राइम कर देते हैं, हम जानते नहीं कानून, गलती हो जाती है फिर लौटने का रास्ते नहीं होता, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत ढेर सारी कमियां नजर आती हैं हर जगह पढ़ाई करते समय, वो सब पर मैं बोलने वाला हूँ, सब मुद्दे पर कि इनमें रिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता। तर्क के साथ डिबेट करे कोई, आए बताए मुझे कि क्यों नहीं हो सकता, हम बताएंगे क्या है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। टैक्स डिडक्ट आर सोर्स टीडीएस, टैक्स डिडक्ट आर सोर्स टीडीएस। टीडीएस क्या होता है चलो बताओ, कहते नहीं हर एम्प्लॉय टीडीएस कटवाता है, टीडीएस उसका काटा जाता है जो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता है। जैसे विदेशों में है कि आपकी इनकम से टैक्स काटकर आपको इनकम आपके अकाउंट में दी जाएगी। तो यहाँ पर एक बात समझो जरा जो समझने वाली है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ज्ञान तो बस मेटाफिजिक्स में है, किताबों में नहीं है। मेटाफिजिक्स कब समझ पाओगे, जब किताब से ऊपर उठ जाओगे। यहाँ पे देखो जरा, अभी मैंने क्या बोला टीडीएस, देखो पीआई जो है पर्सनल इनकम, इसका फार्मूला होता है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, ये फार्मूला है। प्लस क्या होगा, डायरेक्ट टैक्सेस। आप किसी पर्सन को क्या मिलता है, मिलता क्या है, डीपीआई। सरकार जो पे करती है क्या है, डीपीआई, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो माइनस कर देती है ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देती है। इंडिया में टैक्स पे करने वाले कितने हैं, 3% लोग, 3% से देश चलता है। रिसोर्स खोजे जाने चाहिए, इंडिया जो है पुअर कंट्री नहीं है, इंडियन पुअर है, और मैं भी ये मानता हूँ सही है। व्यवस्था चलाने वालों का ध्यान उधर जाता नहीं है जहाँ से पैसा आ सकता है, इसके लिए इकोनॉमिक्स जाननी जरूरी है कि हम कहाँ से रिसोर्स पैदा कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा बर्डन भी ना पड़े। तो उसके लिए हम बहुत लीक पोल दिखाई देते हैं कि जहाँ से हम मनी कर सकते हैं। जैसे एक मुद्दा किसान ले लो, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो किसकी वजह से बढ़ता है, हमारा जो भी घाटा है उसकी वजह बस एक होती है, सब्सिडी जो हम देते हैं पेट्रोल डीजल किसान सब पे देते हैं। अब सारे किसान तो एक जैसे नहीं, कुछ किसान तो इतने ज़्यादा अमीर हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले फेल हैं उनके आगे, तो उन पर टैक्स बर्डन डालना चाहिए और वही पैसा उन किसानों को सब्सिडी के रूप में दो, वहां से लो और उन्हें दो, विदेश से लोन की जरूरत नहीं है। लेकिन आल किसान इक्वल कैसे हो जाता है, सभी किसानों को छूट, नो। अगर हम प्रोडक्ट पे दे देते हैं सब्सिडी, तो कोई 100 बोरी फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, आपने उसकी कास्ट हाफ कर दी, तो सबसे अधिक फायदा तो उठा रहा है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उस गरीब को क्या मिला जिसके खेत ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर सब्सिडी का फायदा कहाँ मिला। तो मुझे लगता है इंडिया के पिछड़े होने का कारण बस एक है, स्मार्ट तरीके से टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन ना हो, केवल इमोशन तरीके से इंडिया को चलाया जा रहा है, इमोशनल तरीके से कि किसान है तो सब किसान छोड़ दो भाई गरीब होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारे किसान गरीब नहीं है, तो सारे किसान को छूट क्यों दी जाए। हम अमीरों से लेंगे पैसा, गरीबों को देंगे, विदेशों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ये फार्मूला क्यों नहीं हो सकता। केन राज कमेटी ने महाराष्ट्र में 1969 में कह दिया था टैक्स लगाओ बड़े किसानों पे, आज तक टैक्स नहीं लगा पूरे देश में कहीं पे भी। जिन फैसलों से हमारे आर्थिक गति तेज हो सकती है वो हम लेते ही नहीं है, हम और उल्टा कर लेते हैं उस फैसले को, डेवलपमेंट और इनवर्स में चला जाता है, ज्यादा फ्री की सारी चीजें की जाती है, आदमी निकम्मा बनता है, निकम्मा, सब कुछ फ्री कर दिया जाए, रहना खाना सब फ्री, पता चलेगा आप सोचने बंद कर दोगे। इन्वेंशन कब होता है, जब नीड ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, और जब तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है तुम कुछ करोगे नहीं। और यू आर ए एसेट ऑफ कंट्री, तुम लोग इस देश के धन हो, संपत्ति हो, अब तुम्हारे में ही अच्छाई नहीं होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, पूरा देश निकम्मा बन के बैठा रहेगा। ये सब कुछ फ्री में है, फ्री तो तब होना चाहिए जो नीड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट है, सैलरी है सबकी, हॉस्पिटल की दवाइयाँ हैं, ये सब जब टाइम पर मिले, विकसित देश का नकल तब मारिए, उनके देशों में सब फ्री में होती है। तो जहाँ पे इनकम 10,000 है खर्च 1,000 है वहाँ फ्री हो सकता है, लेकिन जहाँ पे इनकम 1,000 खर्च 10,000 वहाँ फ्री का फार्मूला तो बिल्कुल कहीं कहीं सुटेबल नहीं है। और फ्री हो तो कुछ उस वर्ग के लिए 5% के लिए, जिसका इनकम प्रमाण पत्र लीजिए आप, यहाँ ये बेसिक लेवल है इसका। अमर सेन ने ये तो फार्मूला दिया था, देखो अमर सेन की थ्योरी क्या थी। अमर सेन क्या कहते हैं कि मान लो कि इंडिया की गरीबी 26% है, अमर सिंह ने यह कहा। अब
जो 100 रुपए नहीं कमाता वो गरीब है, ये फार्मूला हो गया। तो सबसे अति गरीब कौन है, ये चले जाओ इसी ऑर्डर में 98 करके करके। अब जो 10 रुपया भी रोज नहीं कमाता वो अति गरीब है। अब इसकी संख्या देश में कितनी है, 5%। गवर्नमेंट का बजट कितना है, 5 करोड़ का गरीबी दूर करने के लिए। अब गवर्नमेंट अगर इसके 26 करोड़ पर खर्च करेगी तो ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं हो जाएगा कि चम्मच से पानी पिलाते जाओ, पानी भी खत्म और वहीं का वहीं गरीबी रह गई। अमर सेन ने यही बात कही कि जो 5 करोड़ है केवल 5 करोड़ पर खर्च करो, उस भूल जाओ 21%। तो ये 5 करोड़ जो है APL हो जाएगा BPL की जगह। तो फिर हमारी पॉवर्टी रह जाएगी कितनी, 21। और हम मूर्खता की तरह बजट कितना बना देते हैं, यही गलत हो जाते हैं। 10 का खाना 1000 को दावत, तो गाली गलौज तो होगी, जितना टिफिन है उतनी की दावत। तो कुछ चीजें तो पूर्व मुझे समझ नहीं आता, इतने ज्ञानी सब बैठे हुए हैं वहां स्टेडिंग पर ड्राइव कर रहे हैं, अर्थशास्त्री एक से एक महान, ये सारे ऊपर ऊपर की चीज सोचते हैं, बेसिक जड़ में जाके जहां इलाज की जरूरत है वहां पर सोचते ही नहीं कुछ भी। एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगा, 1% पॉपुलेशन के लिए 4% GDP होनी चाहिए, 2% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.93 के आसपास, GDP कितना होना चाहिए, 8%। और जो पहले से बेरोजगार है उसके लिए कम से कम 10 के ऊपर जाए, तब वो भी उसको भी रोजगार मिल पाएगा। अब हमारा इसके नीचे ही रहेगा और हम कहेंगे हम बेरोजगारी दूर कर ले रहे हैं, कभी नहीं होगा। और उधर ये भी कहते रहे ये सब आंकड़े बेकार की चीजें, अब आंकड़ों का ही टाइम है, अगर आंकड़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो पता चलेगा कहीं 1 लाख की पॉपुलेशन बताओगे रहेगी 1,40,000, तो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट तो पर पर्सन होगा ना। तो यहाँ पर ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो एक क्या बताऊँ मैं, किताब से ऊपर है, बट हम किताब पढ़ते हैं रटते हैं और घर में जाके सो जाते हैं, हमारा बस 2-3 काम, किताब पढ़ना, खाना और सोना। इम्प्लीमेंटेशन कहीं हुआ आपके ज्ञान का, जब हुआ नहीं तो पढ़ाई का मतलब क्या रह गया, इस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है। आपने ला पढ़ लिया, अब ला पढ़ के घर में खाना खा के सोने के लिए तो ला नहीं पड़ा था ना, इम्प्लीमेंटेशन कहीं हुआ, तो ये रेस्ट ऑफ नॉलेज बेकार जा रही कि नहीं जा रही, जब यूज नहीं होगी तो आगे कुछ बढ़ेगा भी नहीं, बेकार चली जाएगी कुछ दिन बाद, भूल जाओगे सब ला पा क्या पढ़ा था। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए भी कोई होना चाहिए कि जो हमारे स्किल है इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है। आगे देखो नेक्स्ट, फिर आता है विथ होल्डिंग टैक्स, ये नहीं लिखवाया था, लिखो जरूर, लिखवा दिया था। और आर्म्स लेंथ प्राइज टैक्स शेल्टर हो गया था, ये सब फेयरनेस ऑफ ये हो गया, टैक्स पेयर चार्टर हो गया, बजट तो वैसे लेके गया था मैं, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू करा दिया था, नॉन टैक्स बजट तो एक करंट टॉपिक था इसलिए पढ़ा दिया था। IPO FPO हो गया, जो तुम्हारा छूट गया इनसे मांग के कर लेना, ठीक है, कॉपी से फोटो कॉपी करके घर पे बना लेना नोट्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बताया था मैंने कि क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंड बताया था कि सरकार खर्च करती है, हाँ चलो लिखो जरा, लिखो, लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना सुनना, ठीक है, क्योंकि जब घर आप जाओगे तो चीजें रास्ते में रह जाएंगी, घर क्या जाएगा, जो लिखा हुआ है, इसीलिए लिखना जरूरी है। लेकिन आज के समय का स्टूडेंट जो है ना लिखना चाहता ना पढ़ना, फिर पढ़ा कैसे दिया जाए, और कोई तरीका तो है ही नहीं, घर वो नहीं जाएगा जो आप सुन के जाते हो, जो लिख के जाते हो वही घर पहुंचेगा। लिखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ रिफर्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फुल स्टॉप। It is incurred by the central and state government. It is incurred by the central and state government. Central and state government. Incurred by the central and state government. आगे full stop के आगे. Public expenditure is incurred. Public expenditure. is incurred on various activities for the welfare of the people
फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फुल स्टॉप इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अदर वर्ड्स डेवलपमेंट इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स फुल स्टॉप द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई पब्लिक अथॉरिटीज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई पब्लिक अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटीज लाइक सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट 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 सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव सोशल वांट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव सोशल वांट सेटिस्फाई द कलेक्टिव सोशल वांट ऑफ द पीपल सोशल वांट ऑफ द पीपल सोशल वांट ऑफ द पीपल is known as public expenditure is known as public expenditure is known as public expenditure ab public expenditure jante ho kya hota hai idhar dekho zara young india ko samjhane ki zarurat hai young india ye baat mein kaam aayegi isliye tum log clear karo apne concept hamare sath dekho kya hai public expenditure aur public income इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी खर्च है सरकार का वो सारा होता है गवर्नमेंट जो है जो स्पेंड करती है उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर अब आता है कि पब्लिक इनकम क्या है एक्सपेंडिचर तो आप जान गए पब्लिक इनकम का पहला सोर्स बताओ फर्स्ट बिल्कुल सही फर्स्ट सोर्स है टैक्सेस टैक्सेस हमारी इनकम का पहला सोर्स लेकिन इंडिया में अभी भी ये भी डिफिसिट में कलेक्शन 94 होता है और टैक्स डिपार्टमेंट पे 100 रुपये खर्च होते हैं तो यहाँ से हमारी इनकम कैसे पूरी हो पाएगी अभी ठीक इसी तरह से हमारा 10,000 महीने खर्च है 5,000 कमाई है तो 5 वो भी कमाना बंद कर दें ऐसा तो नहीं करेंगे ना ठीक है तो मान लो कि 500 रुपये आ गए खर्च है कितना 1,000 का अब 1,000 से हमने 500 माइनस कर दिया अब हमारे पास कितना है 500 कितना है हमारे पास 500 अब 500 रुपये और कम पड़ रहे हैं अब क्या करें हम टैक्स से बता दिया आपने अब सरकार कैसे खर्च चलाएगी पहला तो इनकम सोर्स आपने बताया टैक्स टैक्स से आया 500 कम पड़ रहा है अब क्या करें हम क्या करेंगे नो बेटा दूसरा क्या उपाय होगा तुम लोग बहुत दूर कभी ना जाया करो चाहे कोई सवाल है जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ होता है वही बड़े लेवल पर सरकार के साथ अगर तुम्हारी इनकम 500 रुपये है कम पड़ रहा है क्या करोगे करेक्ट आंसर लोन इनकम कम पड़ रही है तो उधार लेते हैं उधार किससे लोगे सबसे पहले किससे मांगते हो घर में अगर पत्नी है तो उससे और बाहर गर्लफ्रेंड है तो उससे बॉयफ्रेंड है तो उससे ये दो सबसे पहले इनकम स्रोत होते हैं हाँ अच्छे रिलेशन अब इससे नजदीक रिलेशन कुछ होता नहीं ब्लड रिलेशन भी इससे दूर का रिलेशन है ये हमारी सोशियोलॉजी कहती है कि ब्लड रिलेशन इसके बाद आता है जिस पर्सन से आप पर्सनल बात करते हो उससे वो सबसे ऊपर हो जाता है जब आप पर्सनल बात करने लगते तो ब्लड रिलेशन से ऊपर हो जाता तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे पहले कहाँ एजेंडे में रखोगे वहीं पर रखोगे कि उससे सहयोग मिल सकता है या नहीं मिल सकता अब उसके पास इनकम रिसोर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक सहायता कितनी हो सकती है ठीक है तो हम सबसे पहले लोन लेंगे तो लोन का सोर्स क्या होता है इंटरनल इंटरनल का मतलब अपने आस पास तो सरकार भी यही करती
तो सरकार का सबसे खास कौन है, सरकार का गर्लफ्रेंड कौन है? आरबीआई, आरबीआई है उनकी गर्लफ्रेंड। अब उसी को बताएंगे कि पैसे तो आरबीआई ने कह दिया चलो हम दे दिए इतने, कितने दे दिए आरबीआई ने, 100 रुपए दे दिए, क्योंकि आरबीआई के पास इतना फंड नहीं होता पूरी व्यवस्था चलाते, 100 दे दिए। अब एक्सटर्नल स्रोत, अब गर्लफ्रेंड की दोस्त क्या है, आईएमएफ, वहां हम जाएंगे, वर्ल्ड बैंक, उससे मांगेंगे, वो भी सारा पैसा आपको नहीं देने वाले, वो कितना देंगे, 200। अब हमारे पास कितने हो गए, हाँ 1000 का खर्चा हो गया, कितना, 1300 नहीं 700 है, 300 अभी भी कम पड़ रहा है। अब हम क्या करें, लोन हमने ले लिया, इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल, लोन टू टाइप्स का होता है, लिख लो एक पे, इंटरनल आरबीआई से और एक्सटर्नल आईएमएफ से, ये दोनों चीजें लिख लो, क्लियर तभी रहेगा कॉन्सेप्ट। हर चीज को इंटरेस्टिंग बना लो, बस पढ़ाई अपने आप समझ आने लगती है। हाँ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो आरबीआई का हेड है, इंटरनल में आरबीआई से लोन लेगी सरकार, यहाँ से कम पड़ेगा तो आईएमएफ से कहेगी। अब इतना तो ज्यादा लोग ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि ये जो लोन देते हैं उसके बदले गोल्ड मांगते हैं, गोल्ड है नहीं गवर्नमेंट के पास। तुम भी किसी के पास जाते हो लोन लेने अगर ज्वेलर्स के पास, तो क्या कहता है, ज्वेलरी रख दो, गोल्ड लोन ले लो, ये लोग फ्री में दे नहीं रहे सरकार को, ये भी उसके बदले कुछ मांग रहे हैं, तो इतना ही लेंगे। तो हमारे पास 700 रुपया आए, 300 कम पड़े। अब इस 300 का क्या उपाय होगा, लिखाया वही जाए जो स्वयं पढ़ने योग्य हो, नहीं बात साफ सब चीज बोर्ड पे पढ़ाई जाए, उसका फुल ऑपरेशन करो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, दोनों जाएगा जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं, ये बड़े बड़े लोग नहीं जानते बात जो आगे हम बताने जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग। और इकोनॉमिक्स में तब ये जान पाया, मैं पहले जब यहाँ आया था तो मुझे भी लगा डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से यहाँ तो ज्ञानियों की कमी नहीं, लेकिन 10 सालों में यूजीसी नेट पढ़ाते हुए इकोनॉमिक्स डीयू के बहुत से प्रोफेसर हमारे यहाँ से 150 से ज्यादा लोग पास कर चुके हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो जिनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है सभी से, तो मैं ये जान पाया कि ज्ञानी 100 में एक ही है और अज्ञानी 99 है, वो बस किताब रटेंगे, इधर उधर क्वेश्चन आ जाएगा तो वहीं भटक जाएंगे कि कैसे बताऊं। अब यहाँ पे देखो आगे क्या हुआ, 300 में हमने अभी 200 के लिए क्या किया, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे हम। जनरल अक्सर हमसे भी लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार एक्स्ट्रा नोट क्यों नहीं छाप देती, सारा पैसा ही पैसा हो जाना चाहिए, पैसा कम पड़ता है सरकार क्यों नहीं इशू करती है? तो इशू ना करने के कुछ दिक्कतें हैं, वो दिक्कत क्या है कि हम गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नमेंट के अंडर में जरूर है बट एक ऑटोनॉमी बॉडी, सारे राइट्स नहीं मान लेगी, आईएमएफ का 50% सुनना पड़ता है, 50% सरकार का। अगर हम सारे अपने रूल लगाएंगे तो इंटरनेशनल मनी जो सिस्टम है हमारा वो बिगड़ जाएगा। जिम्बाब्वे में 5000 इन्फ्लेशन, 5000 टाइम्स, क्यों, क्योंकि वो आईएमएफ का मेंबर नहीं था, जब जरूरत तब पैसा छाप दिया, अब बोरे में लोग पैसा ले जाते थे और पॉकेट में सामान लेके आते, ये दिक्कत नहीं आ जाएगी अगर हम आईएमएफ की नहीं सुने तो। करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो तेजी से क्या होगा, घटेगा। अब ये सब बात लोग जानते नहीं है, तो यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंस करेंगे, जैसे हम डेफिसिट फाइनेंस करेंगे सबसे पहले हमें करेंसी छापने का अधिकार मिलेगा, लेकिन करेंसी छापने का अधिकार मिल तो गया, लेकिन सबसे पहले सरकार क्या करेगी, कौन सी करेंसी छापेगी, डेफिसिट फाइनेंस होते ही मिल गया है राइट्स, जिसके पास ज्ञान है वही भगवान है, मैं भी कह चुका हूं अपने स्टेटमेंट, ज्ञान ही भगवान है, भगवान बनना है तो ज्ञान बढ़ा लो और जानवर बनना है तो घटाते चले जाओ, ज्ञानी भगवान है। जो मुझे महसूस हुआ कि जो जितना ज्ञानी है वही सबसे अधिक शक्तिमान है, सारी समस्या का सलूशन उसी के पास होता है। डेफिसिट फाइनेंस करते ही सबसे पहले भारत सरकार छापेगी 1 रुपए की करेंसी, लेकिन अब तो नोट आता नहीं है तो फिर किसको छापेगी, सिक्कों को, क्योंकि यहाँ पे ना तो गोल्ड मॉर्गेज करना है, आईएमएफ को कोई सोना नहीं देना, तो 1 रुपए के सिक्के तो हम इतने छाप नहीं सकते हैं। चलो मैंने छापा कितना, 200 रुपया कवर कर लिया, अब भी बच गया 100 रुपए का घाटा, अब क्या करें, सिक्के छापे 200 रुपए के एक एक कॉइन छाप दिए, 1 रुपए का नोट मार्केट में कब से नहीं आ रहा है, किस ईयर से, नहीं तो कहीं मिलता है नहीं, 1 रुपया लगा के लोग गले में माला पहनाते थे दूल्हे को पहले, 101 की माला,
ठीक है। मैक्स वेबर कहता है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने के कारण हिंदुज्म है, और ये बात सही है क्योंकि यहाँ करेंसी का सम्मान नहीं, अपमान हो जाता है, बेस्टिज कर दी जाती है। बोलिए बताइए, आगे बढ़ाओगे? नहीं, लेकिन हिंदू कल्चर के मामले में दुनिया में झंडे गाड़ देता है, कल्चर हमारा बहुत अच्छा, मनी में भले हम पीछे हो तो वहां संतोषम परम सुखम, जो नहीं है वो तो संतोष कर लो, प्रैक्टिकल नहीं है वहां पे, इमोशनल हो जाते हैं। अब हमारा जो 100 बचा उसके लिए हम IMF से परमिशन लेंगे और उसके बदले हमें 15 रुपए का गोल्ड देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 15 गोल्ड। ये क्यों देना पड़ेगा? SDR सिस्टम की वजह से, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की वजह से। पहले था जितने की करेंसी उतना का गोल्ड मार्केट करो तब छाप सकते हो, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में गोल्ड क्राइसिस हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये रूल बदला गया, SDR लाया गया। अब जब 15 रुपए का गोल्ड देंगे तो वहां से गोल्ड पेपर मिलेगा, इस गोल्ड पेपर के बदले ही हम करेंसी इशू कर सकते हैं। जितने का दे, आपको 1000 छापना है तो 150 का गोल्ड दे दो मार्गेज करने के लिए। तो इसलिए मोदी सरकार जब चाहे तब करेंसी नहीं छाप सकती, क्योंकि इसके लिए परमिशन किसका चाहिए? IMF का, और उसके बदले क्या चाहिए? गोल्ड रिजर्व। समझ गए ना इतनी बात? आप बोलिए। तो इस तरह से हम करेंसी छाप सकते हैं, और ये बात किसी को पता नहीं होती, 99% लोगों, भले ही उस विषय को पढ़ चुके हैं फिर भी नहीं जानते। आगे लिखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें बड़ी मेन होती हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है एग्जाम्पल दो, और नॉन प्लान क्या होते हैं प्रैक्टिकल बताओ, किताब में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेमेन भी समझ आए आपकी बात, तो आप पढ़े लिखे उसे भी समझा दो, तो पढ़कर क्यों पढ़े लिखे लोगों को बता पाते हो, तो फिर ज्ञानी आप नहीं हो। बताओ प्लान क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर बजट हमारा किस में आएगा? बजट, करेक्ट आंसर है, कॉन्फिडेंस है इसमें, बजट इज द प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि बजट को सरकार ने प्लान किया है। अब नॉन प्लान में क्या आएगा? सुनामी आ जाए का एक, हाँ सडनली जो क्राइसिस तुरंत आ जाए, सरकार को पहले से पता ना हो। ये दो अकाउंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एक को बोलते हैं कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फंड, ये किस में आएगा? कंसोलिडेटेड में आया, पब्लिक अकाउंट इज द डिवाइड बाय टू पार्ट, कॉन्टीजेंसी फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड, लिख लो, पब्लिक अकाउंट डिवाइड बाय टू पार्ट, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड, टू पार्ट में डिवाइड है, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी का मतलब इमरजेंसी, याद रखना बस, आगे लिख देना इमरजेंसी, और कंसोलिडेटेड का मतलब बड़े बड़े लोगों के वेतन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, इन सब के वेतन, और इसको क्या बोला जाता है, दोनों फंड जहाँ होता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है, और इस अकाउंट को मैनेज कौन करता है? CAG, चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, CAG इसको करते हैं, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कैग की रिपोर्ट पढ़ते रहते हो, वही मैनेज करते हैं। इतना डिटेल समझ आया भाई? आगे बढ़े आप, डेफिसिट मैंने बता दिया, टाइप ऑफ बजट बता दिया था, डेफिसिट कितने होते हैं, प्राइमरी सबसे स्मॉल और वो सबसे बड़ा, मॉनेटरी डेफिसिट और इसका बजट डेफिसिट का कोई रोल रहा नहीं। अब लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, चलो सोचो और बताओ, डेफिसिट फाइनेंस जब करेगी सरकार, करेंसी इशू करेगी, तो करेंसी इशू का मार्केट पर क्या प्रभाव होगा, प्रैक्टिकल इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा? डेफिसिट जो फाइनेंसिंग है उसका मार्केट इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
डेफिसिट फाइनेंसिंग का मार्केट इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा? मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डिप्रेसिएशन से बाहर निकालने के लिए क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, मार्केट में मनी की कमी को पूरा करने के लिए। पहले लिखो रेमेडी फॉर डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन की रेमेडी है, डिप्रेसिएशन का मतलब मंदी, रेमेडी ऑफ डिप्रेसिएशन, रेमेडी ऑफ डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन की ये रेमेडी है। दूसरा होगा ग्रांट एंड सब्सिडीज, ग्रांट एंड सब्सिडीज, ग्रांट एंड सब्सिडीज है इसके साथ। फिर है टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाता है, जब पैसा आएगा तो मांग तो बढ़ी जाएगी अपने आप, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट लिखो फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर लिखो एफ ओ आर, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट फिर होगा ओवरकम द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ओवरकम द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ओवरकम द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। आगे फिर फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। क्लियर, समझ आ गई नहीं इतनी बात? जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा सब कुछ समझ आने लगता है, सब कुछ जहां भी पढ़ो वही समझ आ जाता है। अब डिफिसिट फाइनेंसिंग के दोष क्या हैं, एबिल्स क्या हैं? पहला एबिल से इनइक्वालिटी बढ़ेगी, पैसा जब ज्यादा आएगा कोई ज्यादा खींच ले जाएगा, किसी के पास कम रहेगा, इनइक्वालिटी एबिल्स है, लीड टू इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला जाएगा क्योंकि आपकी करेंसी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिरेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में जाएगा, करेंसी वैल्यू आपकी गिरती जाएगी, पेमेंट डिफिसिट में चला जाएगा। क्लियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चल देगा। चलिए ये सवाल काफी पूछा गया है, क्राउडिंग आउट, कुछ वर्ड्स और लिखो, क्राउडिंग आउट क्या होता है, या इसमें भी क्वेश्चन आया क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, क्या है मैंने इसका बता दे रहा हूँ, क्राउडिंग आउट क्या होता है? क्राउडिंग आउट क्राउडिंग आउट क्या है? द लीव लेस एबिलिटी, लिखो द लीव लेस एबिलिटी ऑफ फंड, लीव्स लेस एल ई डबल एस लेस एबिलिटी ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर, फॉर द प्राइवेट सेक्टर, एबिलिटी ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इट मे लीड टू क्राउडिंग आउट, इट मे लीड टू क्राउडिंग आउट, इट मे लीड टू क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग इन क्या होता है, वो तो आउट हो गया, इन, इन का मतलब होता है जॉब टैक्स कलेक्शन मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो क्राउडिंग आउट है, क्राउडिंग इन में होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जॉब टैक्स मतलब जो भी नौकरी कर रहे हो उस पर भी टैक्स लगे, हाँ जॉब टैक्स कलेक्शन। अगला एक वर्ड आता है फिजिकल ड्रैग, फिजिकल एफ आई फिजिकल ड्रैग,
ड्रैग, ये क्या होता है? फिजिकल ड्रैग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिजिकल ड्रैग। फिजिकल ड्रैग्स में देखो क्या होता है। व्हेन इन्फ्लेशन आर इनकम ग्रोथ, इसका लिखो व्हेन इन्फ्लेशन आर इनकम ग्रोथ, इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर, इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स, हायर टैक्स ब्रैकेट्स, हायर टैक्स ब्रैकेट्स, हायर टैक्स ब्रैकेट्स। डिफ्लेशनरी प्रेशर आर ड्रैग इन द इकोनॉमी, डिफ्लेशनरी प्रेशर आर, डिफ्लेशनरी प्रेशर आर ड्रैग, डी आर ए जी, ड्रैग इन द इकोनॉमी, ड्रैग, डी आर ए जी, ड्रैग इन द इकोनॉमी, ड्रैग इन द इकोनॉमी। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव है, जब इनकम बढ़े टैक्स रेट भी बढ़ता जाए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट बढ़ जाए, दिस कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिव टैक्स, और इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट घट जाए तो दिस कॉन्सेप्ट इज रिग्रेसिव टैक्स। तो ये रिग्रेसिव है और वो प्रोग्रेसिव है। और एक होता है ऑप्टिमम टैक्स, टैक्स फिक्स है, इनकम बढ़े या घटे ठीक है इक्वल ही रहेगा, उतने देना है चाहे जितना आप कमाओ, फिक्स है। ऑफ बजट लाइबिलिटीज, अगला पॉइंट ऑफ बजट लाइबिलिटीज, इको में बहुत टर्म आ गए हैं, अगर की मीनिंग नहीं जानोगे इको नहीं समझ आएंगे। ऑफ ओ डबल एफ, ऑफ बजट लाइबिलिटीज, ऑफ बजट लाइबिलिटीज, आप बजट लाइबिलिटीज ठीक है, आप बजट लाइबिलिटीज। इसमें देखो दीज लाइबिलिटीज अराइज नॉट बिकॉज, दीज लाइबिलिटीज, दीज लाइबिलिटीज अराइज नॉट बिकॉज ऑफ बारोइंग, नॉट बिकॉज ऑफ बारोइंग, नॉट बिकॉज ऑफ बारोइंग आर यूज ऑफ पब्लिक मनी, are use of public money, are use of public money by the government, public money by the government, by the government। फिर आता है physical stimulus, physical stimulus, ये लो physical stimulus, फिजिकल स्टिमुलस। इसमें लिखो फिजिकल स्टिमुलस क्या है? फिजिकल स्टिमुलस कंसिस्ट ऑफ अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट, फिजिकल स्टिमुलस, हाँ फिजिकल स्टिमुलस कंसिस्ट ऑफ द अटेम्प्ट, कंसिस्ट ऑफ द अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट, consist of the attempt by government, consist of the attempt by government or government agencies, by government or government agencies, or government agencies, or government agencies to financially stimulus or stimulate an economy, to financially stimulate an economy, stimulus and economy, stimulus and economy, stimulus and economy, clear हो गया? बस end, अभी एक class और लेनी पड़ेगी, दौड़ाने का कोई क्या? fiscal stimulus,
कल बताएंगे आप, अभी एक क्लास कितना और लेना पड़ेगा, कल कल सुबह 11 बजे।